नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार आपका फिर से अपनी चैनल में। जैसा कि मेरा हमेशा से ही ये कोशिश रहती है कि इंडिया के फेसेस आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करूं, कश्मीर का रियल सिनेरियो आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करूं, तो आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ ज्वाइन किया है कश्मीर से ही एक सोशल एक्टिविस्ट है जो कि एक एनजीओ चलाते हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि कश्मीर का रियल सिनेरियो क्या है, ग्राउंड पे काम करते हैं, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फायदा। आपका इनका मैं आपको पहले नाम बताती चलूं, इनका नाम है आमिर रशीद वानी। आमिर, आप थोड़ा सा अपने बारे में और बताते चले हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, मेरा नाम आमिर रशीद वानी और मैं एक पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अपने कंट्री के लिए, अपने मातृ वतन के लिए काम कर रहा हूँ। खासकर कश्मीर के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि कश्मीर में किस तरह से हालात रहे हैं, उस कश्मीर के जो खासकर जो हमारी यूथ है, तो उनके लिए अभी काम कर रहा है। एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेमली मोज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट, लास्ट 4 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। चाहे कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, या विंटर्स में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, या हम ईयरली 100 मैरिजेस करते हैं, जो भी ऑर्फन और पुअर लड़कियां होती है उनकी शादियां कराते हैं। और खासकर जी जो हमने एजुकेशन का ये लिया है मॉड्यूल, लेट्स सपोर्ट एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें जो भी गरीब बच्चा है, जिसमें हमने 200 बच्चे अडॉप्ट किए, जिनको हम फ्री जी एजुकेशन के लिए, स्टेशनरी या जो भी उनका खर्चा है, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे बहुत ज्यादा। लेकिन आपसे जानेंगे एज ए कश्मीरी, कुछ पाकिस्तानियों के साथ मैंने बातचीत की, पाकिस्तानियों का भी आपको पता है क्या माइंडसेट रहता है कश्मीर को लेकर के, इंडिया को लेकर के। हर बार कश्मीर को ही टारगेट किया जाता है, आर्टिकल 370 के बारे में बात की जाती है, 35A के बारे में बात की जाती है। आप भी एक यंग यूथ है कश्मीर के, आपसे जानेंगे आपको कितना हाइप मिल रहा है इंडियन में, आपको क्या लगता है कि आपको किसी गलत तरीके से या फिर किसी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है एज ए कश्मीरी, कि आपको भी इंडियन ही समझा जाता है, आपको भी इक्वली ट्रीट किया जाता है जैसे बाकी स्टेट्स में लोगों को ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे जो है पाकिस्तानी का एक और कंसर्न रहता है कि कश्मीर में आर्मी जो है लोगों पर जुल्म आती है। क्या कहना चाहोगे आप, क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानी जितनी भी आवाम है? देखिए, ये एक वो 2019 से पहले, या हम 1999 के पहले का दौर था, जहाँ पे ये लोगों में एक नरेटिव बैठा था। बट आजकल अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक हमारी यूथ समझदार है, एजुकेटेड यूथ है। वो अब पुरानी बातें थे, जहाँ पे हम जब हमें बाहर या किसी और कंट्री से यहाँ पे कोई मैसेज आती थी, या वो हड़ताल की कॉल आती थी, आई थिंक वो जमाना चला गया। अब आप जी देखिए कि मैं अब अपनी बात कहूँ यहाँ पे, जब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया, आई थिंक कि मेरा 2RR पहला कैंप है, जहाँ पे मुझे एक सपोर्ट, तब हमारा वहाँ पे कैप्टन रोहित के नाम से एक, जहाँ पे जो हमारा वहाँ पे हेड था 2RR का, तो वो मुझे गाइड करता था कि आमिर, किस हिसाब से आपको एनजीओ चलानी है, किस हिसाब से आप ग्रोथ करोगे। अभी भी जो मेरा कंसर्न 2RR है, वो मुझे अभी भी गाइड कर रहा है, आमिर आपको आगे कैसे बढ़ना है। जो भी अभी तक मुझे अचीवमेंट हुई है, आई थिंक कि आर्मी का उसका उसमें मेन रोल रहा, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी उसमें मेन रोल रहा। ये तो वो पुरानी बातें थी, या ऐसे भी कुछ लोग थे जो उन बातों पे बिलीव करते हैं। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान का हमेशा से यही काम रहा है कि यहाँ के यूथ को डाइवर्ट करना, भटकाना। अच्छे चीज से बुरे रास्ते पे लाना। वो हमेशा से यही चाहते हैं कि कश्मीर का यूथ उसी 90 के दौर में चले जाए, या कश्मीर उसी 90 के दौर में चले जाए, जब हमारे बच्चे पथराव करते थे, हमारे बच्चे वो उनको बोलते थे और वो गन उठाते। वो बातें तो अब चली गई, वो दौर चला गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूथ, आप देखिए कि अभी आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला, आप देखिए हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, और हमारे बच्चे आप देखिए वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, हमारे बच्चे हर किसी जगह आगे। और खासकर इसमें आर्मी का भी रोल है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे गवर्नर साहब का रोल है, जहाँ पे वो हर टाइम हमारे बच्चों को हमें गाइड करते हैं। और रहा आर्मी की बात, आई थिंक कि हम बहुत ही शुक्रगुजार है उनके, जिस तरह से
जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो हमारा कंसर्न टू आर आर आता है, या कहीं से भी जो भी आर्मी आप देखिए, बीबी कैंट, जब भी हम जाते हैं उनको बताते हैं कि हमें ये इवेंट कर रहा है और इस हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस हिसाब से काम करेंगे, वो हमें उसी हिसाब से गाइड करते, उसी हिसाब से बताते कि बच्चे आपको कैसे क्या करना है, कैसे आप आगे बढ़ोगे, किस हिसाब से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, किस हिसाब से आपकी एनजीओ या आप ग्रो करोगे। तो आई थिंक ये उनकी जो बातें या उनका जो वो माइंड सेट, अभी भी कुछ लोग जो उनके बहकावे में आ रहे हैं, आई थिंक कि हम उनपे काम करेंगे और इंशाल्लाह हमारा यूथ जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है कि वो दौर खत्म होने को आ रहा है। देखिए, अगेन बात करना चाहूंगी आर्टिकल 370 की और 35A की मनसूखी के बाद कई प्रोपेगेंडे चलाए गए पाकिस्तान के तौर पर, जहां पे उनका ये भी मानना है कि हम कश्मीर के नाम पे ब्लैक डे मनाते हैं पाकिस्तान में, जब आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी हुई थी, यानी कि 5 अगस्त को वो ब्लैक डे मनाते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे? आपको क्या लगता है कश्मीरी यूथ 370 के बाद या 35A की मनसूखी के बाद क्या डेवलपमेंट हुए कश्मीर में? क्या आपको लगता है कि ये कश्मीरियों की बर्बादी के लिए हटाया गया था या फिर कश्मीरियों की डेवलपमेंट के लिए हटाया गया था? देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से रोल रहा है कि कश्मीर को हम पीछे धकेले, तो जी वो तो जब 5 अगस्त का जो 370 हटा, तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी अचीवमेंट्स हमारे कश्मीर के यूथ के लिए, या कितने, देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम गवर्नमेंट, आप हमको उनको बोल सकते हैं कि हमें हमारी यूथ को गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, बिल्कुल हमारी यूथ पढ़ी लिखी है, बट हम बाकी सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। आप देखिए टूरिज्म कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, जी ये देखने वाली बात है। कभी आज तक 70 साल में कभी कश्मीर में G20 होस्ट नहीं हो रहा था, आज आप देखिए यहाँ पे G20, इससे बढ़कर हमारे लिए 370 के बाद क्या अचीवमेंट हो सकती है। आप देखिए पथराव खत्म हो गया, हमारी यूथ जो मर रहे थे, पत्थर जो यहाँ से पत्थर फेंक रहे थे और वहां से उनको गोली या पैलेट उनकी आंख बिना ही जा रही, आप देखिए 3 साल में वो कहाँ है। कितने नौजवान हमें जो इनको रेडिकलाइज किया जा रहा था, अब वो लेवल कहाँ पे पहुंची है, और हमारी यूथ अब क्या चाहती है। जो भी आप देखिए कि हमारी यूथ चाहती है कि हमें आगे बढ़ना, हमें अपने देश का नाम आगे बढ़ाना, हमें अपने माँ बाप का नाम आगे बढ़ाना, आप देखिए खुद हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप देखिए डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ, टूरिज्म आपके सामने है। ये जरूरी नहीं कि अब लोग बहुत सारे ऐसे भी है, ये तो पाकिस्तान से या बाकी जो कुछ ऐसे ये कुछ चंद लोग अभी भी है जो ये कश्मीर मतलब ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इंडिया कंट्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, एक साजिश होती है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी लोगों को भी अब पता है कि यहाँ अभी तक हमारी यूथ कितनी सफर कर रही है, जेलों में पथराव, गन उठाना, वो तो अब जो हमारे गवर्नर साहब बोल रहे थे या डीजी साहब बोल रहे थे, वो तो अब एक हिस्ट्री बन चुकी है। तो आई थिंक ये अब कुछ लोग, चंद ही लोग बचे हैं जिनकी ऐसी सोच है। इंशाल्लाह आई होप कि हमारी जो सो या हमारी फोर्सेस है या हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज है कश्मीर में या हमारी कंट्री में, वो उनपे कार्रवाई करेगी, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं, जिनके भी अभी कुछ यूथ है ऐसे जिनकी सोच ऐसी है, उनपे हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका वो माइंड सेट चेंज हो जाए, और जो आज की यूथ चाहती है इनको इंशाल्लाह हम मेन स्ट्रीम लाइन जो मेन लाइन है उनमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात करना चाहेंगे G20 के हवाले से, तो G20 के हवाले से आपने बात छेड़ी कि कश्मीर जो है और इंडिया भी जो है इतिहास वर्ल्ड में रचने जा रहा है, बिकॉज पहली बार इंडिया ने प्रेसिडेंसी होल्ड की और पहली बार कश्मीर में समिट होने जा रहा है, जिसका हमने लास्ट समिट शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी में दिखाई देखने को मिला, जहां पे Y20 का ग्रुप आया था, यानी कि 17 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए थे। क्या कहना चाहोगे आप? क्या डेवलपमेंट हो सकती है Y20 के आने से? क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे कश्मीर को? किस हद तक हमारा कश्मीर जो है आगे डेवलप कर सकता है? देखिए जो Y20 के हवाले से मैं बताऊं आपको, Y20 एक यूथ के लिए एक प्रोग्राम था। आप देखिए हमारे यूथ को एक एक्सपोजर मिल रहा है, खास करके हमारे कंट्री को यूथ, अभी तक ये मौका नहीं मिला था हमें खिदमत करने का, अभी ये मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इससे क्या होगा कि अब आप देखिए इकतराल से हमारी सिख कम्युनिटी की बहन, उसने वहां पे शमूलियत की थी, आप देखिए उसका बयान कि जब वो उन लोगों के साथ मिली, उनको एक्सपोजर मिला, बाकी जो कंट्री से आए, यूएसए से आए थे,
इंग्लैंड से आए थे या बाकी जो कंट्रीज यहाँ पे जिन्होंने ये एक तो यहाँ की मैसेज, यहाँ की ब्यूटी वहां जा रही है, वो भी जब वापस जाएंगे तो वो कश्मीर की या हिंदुस्तान हमारी कंट्री की बात वहां पे रखेंगे कि उन्होंने किस तरह से हमें होस्ट किया है, किस तरह से रिप्रेजेंट हमारी कंट्री वो वहां पे करेंगे। यहाँ की जो ब्यूटी जो वो सीधी सी बात है कि वहां जब वो अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे कि कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है जो अभी तक नहीं आए थे, आई थिंक इससे सीधी सी बात है हमारी हमारी कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आएंगे कश्मीर जरूर देखने, तो हमारी इकोनॉमिक इससे बढ़ेगी। और खासकर जो आप देख रहे हैं G20 की वजह से डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रही है हमारे, हम आप देखिए रोड, आप देखिए बाकी जो यहाँ पे टूरिज्म या बाकी सेक्टर्स जिस हिसाब से उन पे काम चल रहा है, तब अभी तक आप मैंने आई थिंक कि मैंने मेरी होल लाइफ में आज तक मैंने नहीं देखा होगा कश्मीर में नाइट टाइम नाइट शिफ्ट में काम चल रहा होता, बट आज हम देख रहे हैं कि नाइट शिफ्ट में भी कश्मीर में काम चल रहा है। ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब यहाँ पे एक गुड गवर्नेंस है, अभी कश्मीर की मतलब जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है अभी काम कर रही उसी हिसाब से कश्मीर के लिए। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे लोग है जो अभी तक यहाँ पे हुआ था कश्मीरियों के साथ इस्तेमाल हुआ था, जो पुराने पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने गलत किया था कश्मीरियों के साथ, अभी तक जो ये सिस्टम नहीं बना था, बट अब आप देख रहे हैं कि नाइट में काम चल रहा है, नाइट में ट्रैफिक चल रहा है, नाइट में बसेस चल रही है, पब्लिक सर्विस चल रही है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए पब्लिक को। देखिए, अब बात करना चाहूंगी जिस प्रकार से आपने बोला कि पाकिस्तानी लोग कभी पीछे नहीं रहते हमारी टांग खिंचाई में, लेकिन अब कश्मीरी हर एक कश्मीरी समझ चुका है, हर एक कश्मीर का युवा समझ चुका है कि हम भारतीय हैं और कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आपसे जानेंगे आर्मी के रिलेटेड पाकिस्तानियों के कई दिमागों में कई आप बोलते हो ना प्रोपेगेंडे चलाते हैं हमारी आर्मी के नाम पे, तो आपसे जानेंगे, आपने भी बहुत सारे इवेंट्स किए होंगे आर्मी के साथ, आपसे जानेंगे आर्मी किस प्रकार से हमारे जितने भी सोशल वर्कर्स हैं यहाँ पे, हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि कोई एनजीओ चलाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, आर्मी किन किन चीजों में हेल्प करती है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बात करें या फिर यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के बात करें, किन किन चीजों को फोकस में रख के ही आर्मी आप लोगों के साथ काम करती है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं कि हिंदुस्तानी आर्मी जो है कश्मीरियों के साथ जुल्म ढाती है, हर एक घर के बाहर आर्मी दिखाई देखने को मिलती है, तो आपसे जानेंगे क्या ये बातें आप कश्मीरी एज ए कश्मीरी प्रूव करें, क्या ये बातें सच है उनकी या फिर एक दोगलापन है या फिर एक प्रोपेगेंडा है? देखिए ये सबको पता है कि ये प्रोपेगेंडा के बगैर कुछ नहीं है, जिस हिसाब से आर्मी यहाँ पे काम कर रही है एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी हमें कहीं पे चाहे स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज हो, चाहे एजुकेशन का कोई इवेंट हो, चाहे म्यूजिकल इवेंट हो, चाहे कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो, हम आर्मी के पास जाते हैं और आर्मी हमें उसमें सपोर्ट करती है, चाहे कोई भी चीज है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है क्राउड फंडिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई फंड नहीं आता है तो आर्मी हमारे पास वाहिद एक सोर्स होता है जो हमें हर टाइम सपोर्ट करते हैं, या हर टाइम जब भी वो हमारे पास कोई भी कुछ चीज होता है हम आर्मी के पास जाते हैं, हमने कंसर्न आर्मी के पास जाते हैं तो उनको बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है, और कभी वहां से उनका ना नहीं होता है, जिस हिसाब से आर्मी का सपोर्ट रहता है यहाँ पे, और ये गलत बात है, ये उनका प्रोपेगंडा है और कुछ नहीं है, जो आर्मी यहाँ पे जुल्म कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए आप बताइए ना कहाँ पे हो रहा है, अगर वो हमें बता रहे हैं हमें दिखाइए कहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो सीधी सी बात है हमारी फौज है अपने लोगों को बचाना है जो वहां से उस पार से यहाँ पे वो टेररिज्म फैला रहे, तो सीधी सी बात है उनपे तो काउंटर अटैक करना ही है, हमें अपनी आर्मी में प्राउड है वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो कोई जुल्म नहीं है, वो हमारी सेफ्टी और वो हमारी सेफ्टी के लिए जान अपनी दाव पे लगा के रात दिन भर रोडू पे ब्राडरू पे हमारी सेफ्टी के लिए बैठे हैं, तो उनके प्रोपोगंडा से कुछ नहीं होगा। आजकल कश्मीरी को पता है कि इंडियन आर्मी इंडियन फोर्सेस चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे CRPF हो, वो हमारे देश के लिए और हमारे कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि हमें आर्मी से कितना फायदा हो रहा है, जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है, जब भी कहीं पे कोई मुसीबत होती है, और आई थिंक आर्मी एक वही वाहिद फोर्स है जो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा होती है।
देखिए, अगेन बात करना चाहूंगी मैं पाकिस्तान की। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि इमरान खान को जो है अरेस्ट कर दिया गया था, तो इस प्रकार से जो है इस बारे में काफी पाकिस्तानियों ने इंडिया पर ब्लेम लगाया है कि ये बस इंडिया की गंदी साजिशों की वजह से हो रहा है, भारतीय लोगों की गंदी साजिशों की वजह से हो रहा है। ये प्रधानमंत्री इंडिया, अमेरिका, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को टारगेट किया है। क्या मैसेज देना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो वहां पे तबाही चल रही है, पीओके में महंगाई चल रही है, जिस प्रकार से वहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन हाउस जलाया गया, क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे एज एन इंडियन? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, उनका हमेशा से यही रहा है, जब भी वहां पे अगर कोई चिड़िया भी मरती है तो वो कहते हैं कि इंडिया की साजिश है। वो जहाँ पे अपने पीएम की, जहाँ पे सेफ्टी, एक्स पीएम है वो, इमरान खान एक कदावर लीडर है, मानते हैं, एक एजुकेटेड लीडर है, उनको वहां पे बख्श नहीं जाता है। वहां पे आटा के एक जो केजी है वो 300 400 है, वो हम उनकी बात ही क्या करें। आई थिंक कि मैं सही नहीं समझता हूँ कि उस मुल्क की हम बात करें जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं हो, जहाँ पे लोगों की सेफ्टी नहीं हो, जहाँ पे उनको अपने लोग गालियां देते हो, तो उनकी बात ही क्या करनी है। आई थिंक कि इंडिया एक हमेशा से एक मिसाल रही है, एक डेमोक्रेसी की मिसाल रही है, तो उनको हमारे डेमोक्रेसी और हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए कि हमारी कंट्री कैसे चल रही है, किस हिसाब से चल रही है और कैसे तरक्की कर रही है। उनको यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहिए था, तो वो उनके लिए बेहतर था, बाकी साजिश से बेहतर। इंडियन आवाम के लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए आप क्या मैसेज आखिर पे ड्रॉप करना चाहोगे? बस मेरी मैसेज यही रहेगी, आपस में प्यार से रहिए, क्योंकि एक पॉलिटिक्स गेम होती है, आपस में लोगों को लड़वाते हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। हम उनको गालियां देते, वो हमें गालियां देता, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये उनको अपना एजेंडा पॉलिटिकल मसला एजेंडा होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमारी यही मैसेज रहेगी कि हमारा मुल्क जो है एक अमन पसंद मुल्क है, हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हम हर किसी कंट्री से भाईचारे से रहे। तो हमें उम्मीद है कि अगर उन तक ये मैसेज पहुंचेगी कि हम हिंदुस्तानी है, कश्मीर और ये इसका अटूट अंग है, आप अपने मुल्क को ही देखिए, यहाँ कश्मीर को आप कोई देखने की जरूरत नहीं है, हमें अपना मुल्क देख रहा है तो, और हमें किसी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज यहाँ पे है और हमारी सेफ्टी के लिए बैठी है, तो आपको उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सो आप अपने मुल्क को देखिए और हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सही से चल रहा है, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कश्मीर का रियल फेस, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से हर एक कश्मीरी, मुझे उम्मीद है कि मैं जिस भी कश्मीरी को यहाँ पे बुलाऊंगी वो सिर्फ ही सिर्फ इंडिया की तारीफ करेगा, क्योंकि हमारे देश ने कुछ ऐसे काम किए हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए जो कि जिनका कोई जवाब नहीं। हमारी इंडियन आर्मी हमेशा, जिस प्रकार से हमें आमिर से जानने को मिला कि किस प्रकार से इंडियन आर्मी इनके शाना बशाना खड़े रहती है, और हमारी गवर्नमेंट किस प्रकार से कश्मीरी युवा के लिए काम कर रही है, बस यही एक मेरा मोटिव है कि मैं आप तक जो सच्चाई है, जो कश्मीर की सच्चाई है, जिसके नाम पे काफी प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में, ग्लोबली, या फिर कश्मीर को बदनाम किया जाता है, या फिर हमारे भारत देश पे जो है उंगलियां उठाई जाती है पाकिस्तान के प्रकार से, पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं आगे आगे भी चाहूंगी कि मैं अपने इंडिया को जो है ग्लोबली इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करूं। आप भी, आप लोगों तक भी मैसेज पहुंचाती रहूं, आप भी जुड़े रहे मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।